Good morning students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing the bookwork of our chapter at home again. And today we'll start a new topic of grammar. What we will read today? We will read about sentences. See here. Read these sentences. Priya found a kitten. The kitten was white. दीज सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट ये सेंटेंसेज के हैं एक स्टेटमेंट हैं अ स्टेटमेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सम थिंग एक स्टेटमेंट हमें किस चीज़ के बारे में क्या देता है इंफॉर्मेशन देता है शीतल इज़ अ डांसर शी लिव्स इन कॉलकाटा न्यू डेली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया नाउ रीड दी सेंटेंसेज अनपैक योर बैग्स क्लीन योर रूम दीज सेंटेंसेज आर इंस्ट्रक्शंस ये सेंटेंसेस क्या हैं इंस्ट्रक्शंस हैं वी यूज इंस्ट्रक्शंस टू टेल समन टू डू सम हम इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किसी को समझाने के लिए करते हैं गो बैक टू योर क्लासरूम क्लीन योर टेबल ड्रिंक सम वाटर ये सब क्या इंस्ट्रक्शन है कि जाओ क्लासरूम में जाओ अपना टेबल क्लीन करो कुछ वाटर लेके आओ Not when you want to give instruction politely, you can say please, please wash your hands, please comb your hair. Okay, see here. Now we are doing exercise. Say whether these sentences are statement or instructions. Go to bed early. Now we are giving instructions. I bought some color pencil today. I am giving some information, so that's why this is a statement. Rohit and I are playing in the park. This is also our information. So this is the statement. Shut the door. Instruction. Take some cake for your sister. Instruction. Okay. C vocabulary. Read this sentence. She spotted an old basket beside some rocks in the garden. The word rocks has two meanings. वर्ड रोक के टू मीनिंग्स हैं अ लार्ज स्टोन एक तो होता है लार्ज स्टोन वी कैन फाइंड लार्ज रॉक्स ऑन द सी शोर हमें सी शोर पर बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेबीज गो टू स्लीप वैन वी रॉक दैम जेंटली बेबीज़ क्या कर रहे थे सो रहे थे जब हमने इसको जेंटली रॉक किया या रॉक मीज टू मूव साइड टू साइड मूव करना द वर्ड रॉक इज अ होम्योनेमियस ये एक होम्योनोमस वर्ड्स हैं होमोनोमियस आर वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग सेम प्रनाशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग इसमें स्पेलिंग भी सेम होती है प्रोनासीशन भी सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है सी मैच देंटेंसेज विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्राम द बॉक्स वट काइंड बुक्स डू यू लाइक टू रीड यू मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एवरी वन हेयर काइंड मीनिंग्स अ टाइप ऑफ समथिंग वट काइंडफ़ बुक्स अ टाइप ऑफ सम थिंग यू मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एवरी वन केयरिंग सो मैच दिस ओके लाइक दिस यू वि मैचिंग द बॉल केम फ्री विद द बार्ट वी सेट द बर्ड्स फ्री येस्टरडे यहाँ फ्री का मीनिंग क्या है यहाँ फ्री का मीनिंग है कॉस्टिंग समथिंग नथिंग और यहाँ फ्री का मीनिंग क्या है इन अ केस कि पक्षियों को पिंजरों में मत रखो फिफ्थ योर टॉयज हैव बीन कैप्ड इन द चेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम हेअर चेस्ट मीन्स लार्ज स्टोन बॉक्स मेड अप ऑफ वुड और आयरन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स द बॉल हिट हिम इन द चेस्ट बट लकली डिडंट गेट हर्ट हेयर चेस्ट मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड द स्टमक बॉल को किसने ने कहाँ पर हिट किया चेस्ट पे तो यहाँ चेस्ट क्या एक बॉडी का पार्ट है ओके सो डू द मैचिंग सेवंथ शी लाइट एंड सैड शी डिडंट ब्रेक द मग आई आस्क माई ग्रैंड मदर टू लाई डाउन बिकॉज शी वॉज रंट फीलिंग वेल हेयर लाई मीन्स छूट बोलना टू नॉट टेल द ट्रूथ हेयर लाई मीन्स टू बी इन अ रेस्टिंग पोजिशन इंस्टेड ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग खड़े और बैठने की बजाय रेस्टिंग पोजिशन में रहना नाइन्थ माई हाउस इज ऑन द फिफ्थ फ्लोर आई हेल्प आई मदर स्वीप एंड मॉप द फ्लोर हेयर फ्लोर मीन्स फर्स्ट एंड टेंस में फ्लोर का मीनिंग क्या है एक लेवल इन अ बिल्डिंग बिल्डिंग में एक लेवल हेयर फ्लोर का मीन्स क्या है वट वी स्टैंड ऑन जिसपे हम खड़े हैं ओके डू द मैचिंग सो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा होम्योफोनियस और इसके अलावा क्या पढ़ा स्टेटमेंट्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड नाउ इट्स टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन टाइम

नो प्रॉब्लम और वाई नाउट कह के और यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो यू कैन से आई एम सॉरी अब आपको क्या करना है यू हैव टू गिवन दिस रोल प्ले आपको ये रोल प्ले करना है इन वर्ड्स का यूज करके ओके नाउ कम टू द राइटिंग पार्ट इमेजिन दैट यू आर प्रिया आप इमेजिन करो कि आप प्रिया हो यू सी अ चाइल्ड ऑफ योर एज प्लेइंग इन द गार्डन नेक्स स्टोर यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर राइट डाउन द कन्वर्सेशन यू कैन बिगेन लाइक दिस सपोज करो आप पार्क में गए हो आपको आपकी एज का ही चाइल्ड मिल जाता है गार्डन में तो आपने उसके साथ टॉकिंग करनी है ओके एक कन्वर्सेशन करना है और उस कन्वर्सेशन को राइट करना है ओके okay? जैसे हम पार्क में जाते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ टॉकिंग करते हो ना बट डोंट स्पीक इन हिंदी ना इट्स टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश ओके ना इट्स टाइम ऑफ पंक्चुएशन वी यूज स्पीच मार्क्स इन आर राइटिंग टू शो वट समन इज सेंग दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्यूटेशन मार्क्स हम इसको स्पीच मार्क्स या क्योटेशन मार्क्स बोलते हैं जो कोई पर्सन कोई वर्ड्स कहता है लाइक प्रिया साड हेलो आई एम प्रिया तो प्रिया के जो वर्ड्स हैं वो क्योटेशन मार्क्स में आएंगे या इन्वर्टर्स में आएंगे वी कैन ऑल्सो कॉल स्पीच मार्क्स माला आस्ट हाउ आर यू द एक्चुअल वर्ड्स दैट प्रिया एंड माला से आउटपुट इन साइड द ओपनिंग कोटेशन मार्क एंड द क्लोजिंग कोटेशन मार्क ये ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क में आ जाएंगे ओके okay? नोटिस हाउ द वर्ड सैड इज़ यूज फॉर स्टेटमेंट एंड आस इज़ यूज फॉर क्वेश्चन सैड यूज किया जाता है स्टेटमेंट के लिए आस यूज़ किया जाता है क्वेश्चन के लिए यदि आस्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क् पुट करोगे सैड दिया है तो स्टेटमेंट तो फुल स्टॉप आएगा ओके नाउ लेट कम टू द एक्सरसाइज सी पुट क्योटेशन मार्क्स वी आर नीडेड इन दिज सेंटेंसेज द टीचर्स सैड दे आर इज़ आ हॉलीडे टू मोरो दिस इज अ स्टेटमेंट सो

i helped my grandfather water the plant said amanda put it in the quotation marks so students you will put here opening and closing quotation marks okay pronunciation rough laugh cuff tough elephant fawn, photograph trophy speak with me the elephant skin is very rough there is a lovely photograph of her laughing. I heard him cough over the phone. The game was tough, but we won the trophy. Now, life skills. On your way home from school, you find that a baby bird has fallen out of its nest onto the road. You can see the parents flying around and looking worried. What will you do? ऑन योर वे होम फ्रॉम स्कूल आप स्कूल से घर आ रहे हो आपने क्या देखा एक बेबी बर्ड गिरा हुआ है अपने नैस से रोड पर यू कैन सी आप देख सकते हो कि उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं और उसके लिए बहुत वरीड हैं तो आप क्या करोगे यू विल आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प आप एडल्ट को बुलाओगे हेल्प के लिए यू विल मूव द बर्ड टू बी साइड बाय योर सेल्फ या तुम खुद से ही बर्ड को साइड पे कर दोगे यू विल टेक इट होम एंड डिसाइड टू लुक आफ्टर इट योर सेल्फ या तुम घर चले जाओगे कि अपना ध्यान अपने आप रख ले यू विल लीव इट अलॉन एंड वॉक अवे या तो मुझे अकेला छोड़ दोगे और चले जाओगे बेटा ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डू द पोथ एक्शन ए एंड बी यू विल आस्क एन एडल्ट फॉर आप हेल्प आप एक एडल्ट से हेल्प के लिए भी पूछ सकते हो और या बर्ड्स को खुद भी साइड कर सकते हो बेटा दिस इज द लाइफ स्किल्स हमें लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन हमें क्या सिखाती है लाइफ की स्किल्स सिखाती है कि हमें लाइफ में दूसरों के लिए पोलाइट होना चाहिए दूसरों के लिए केयरिंग होना चाहिए ओके बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मोरालिटी, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे